फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का थालपोश बनाएंगे। इसे मैंने दो रंगों से बनाया है। टेबल मैट के तौर पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। टोटल पत्तियां इसमें मैंने ये 16 बनाई है। 8 मैंने पिंक कलर की बनाई है और 8 मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, तो टोटल जो 16 हो गई। और पत्तियां हमने जो सीधी नहीं बनाई, पत्तियां हमने ऐसे घुमावदार बनाई है और उसी तरह से हमने घुमावदार इसका बॉर्डर बनाया है। अगर हम इसकी इसका डायमीटर देखेंगे, टोटल डायमीटर इसका 19 इंच है। तो चलिए हम ये थालपोश बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। एक चेन बन गई हमारे पास, ये 2, 3, 4, 5 पांच चेन लेकर 5 चेन। फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। अब इस होल में हमने अपना वर्क करना है। 1, 2, 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, ये 3 हो गए। फिर हमने धागा लिया, ये 2 हो गए, 2 से हमने 1 बना दिया। धागा लिया, ये 3 हो गए, ये 2 बना दिए, 2 से 1 बना दिया। तो 15 बार हमने यहां पर डबल क्रोशिया बनाना है, 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स मैंने ये बनाया डबल क्रोशिया। एक हमने शुरू में 3 के चेन बनाए थे, तो इसको भी हमने एक डबल क्रोशिया साथ में गिनना है। तो ये टोटल 16 बार हो गया, 16 बार। 1, 2, 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। अब हमने 1, 2, 3 चेन ली। जहां पर हमने राउंड का ज्वाइन किया है, सेम प्लेस पर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक बार हमने चेन बनाई और साथ में हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 बार हो गया। अब हमने यहां पर धागा चेंज करना है। जब हमने धागा चेंज करना है, तो हमारे क्रोशिया के ऊपर 2 हमारे स्टिच होने चाहिए। इसे हमने कंप्लीट नहीं करना। अब हमने यहां पर इससे इसको कंप्लीट करना है। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया। एक इसी चेन में, फिर दूसरी बार। हर चेन में हमने 2 बार बनाना है। अब इसको हमने कंप्लीट नहीं करना। कंप्लीट हमने इससे करना है इसे। और ये वाला धागा हम साथ साथ चलाते जाएंगे, जैसे व्हाइट वाला है, व्हाइट को हमने ऐसे साथ में ले लिया। अब हमने नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार बनाना है। ये 1, इसी चेन में ये 2। अब हम इसे पीछे कर देंगे और इसको ले लेंगे और इससे इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम ये मजंटा धागा साथ साथ चलाएंगे। ये 1, इसी चेन में ये 2। ये 2 रह गए, तो धागे को हमने चेंज कर लिया। एक डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया। तो ये 2 हमारे पास रह गए। हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारे पास चेन है, 2 बार हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हर बार हमने इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा खींच देना है। ये देखिए, 1, इसी में ये 2। ये व्हाइट को भी हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, जो धागा हमारा ढीला होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये उसी तरह से हमने राउंड को कंप्लीट किया। ये यहां पर 2 रह गए, तो राउंड को ज्वाइन हमने उसी तरह से करना है। जब ये 2 रह गए, तो हमने दूसरे कलर से इसे कंप्लीट करना है स्टिच को। फिर हमने राउंड को ज्वाइन करना है। 1, 2, 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है। फिर हम नेक्स्ट चेन में
जब हम स्टार्ट करेंगे राउंड को तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, फिर हमने नेक्स्ट चेन में एक बार स्लिप स्टिच बना दिया। अब हमने यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन ली और नेक्स्ट जो वाइट है फर्स्ट वाइट चेन के ऊपर हमने दो बार बनाना है मजेंटा कलर से डबल क्रोशिया। तो ये तीन हो गए हमारे पास, यहाँ पर दो मजेंटा थे, अब हमारे पास तीन हो गए, दो हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी साइड वाली चेन। तो इसे भी हमने कंप्लीट नहीं करना, उसी तरह से इस धागे को पीछे करेंगे। ये वाली जो हमने थ्रेड है जो नीचे वाला दूसरा उसको हमने साथ लेते जाना है। अब हम ये एक हमारे पास व्हाइट चेन है, एक हम इसके ऊपर व्हाइट बनाएंगे और दो हम नेक्स्ट जो हमारी मजेंटा चेन है उसके ऊपर दो बार बनाएंगे। हर बार हमने इसी तरह से बनाना है। जो दूसरे कलर की चेन है, जैसे ये हमने व्हाइट के ऊपर व्हाइट बनाया और मजेंटा के ऊपर हमने दो बार बनाया, हर राउंड में हमने इसी तरह से करना है। जो हम दूसरी चेन ले, जो दूसरी चेन है उसमें हमने दो बार बनाना है। ये देखिए फिर से, यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट किया, ये धागे को साथ लिया, ये मजेंटा के ऊपर एक बार मजेंटा बनाया हमने और ये व्हाइट जो है चेन फर्स्ट व्हाइट चेन के ऊपर हमने दो बार बनाया, एक और इसी चेन में हमने दो बार हो गया ये। फिर हमने धागा चेंज किया, फिर हमने इससे इसको कंप्लीट करना है स्टिच को। फिर व्हाइट के ऊपर हम एक बार बनाएंगे और मजंटा आगे आगे चेन इसके ऊपर दो बार बनाएंगे, एक और दो, और इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। यहां पर ये दो थे, नेक्स्ट रो में ये तीन हो गए मजंटा कलर के, फिर ये चार हो जाएंगे, फिर पांच हो जाएंगे, फिर छह हो जाएंगे, इस तरह से ये बढ़ते रहेंगे। अब हम व्हाइट कलर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले हमने ऐसे इसे कंप्लीट किया स्टिच को, फिर हमने एक बार बनाया और जो मजंटा है शुरू में हमने स्लिप स्टिच बनाया था, मजंटा के ऊपर हमने दो बार बनाना है। जैसे हमने ये सारा राउंड बनाया है, दो रह गए हमारे पास तो धागा चेंज कर लेंगे। अब हमने एक दो और तीन थर्ड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने नेक्स्ट चेन में एक बार फिर से स्लिप स्टिच बनाना है, इसके बाद हम तीन चेन लेंगे। एक हमारी ये चेन हो गई, इसको हमने डबल क्रोशिया मानना, एक हमने नेक्स्ट में बनाया, ये दो हो गए, और जो व्हाइट है फर्स्ट व्हाइट स्टिच है इसके ऊपर हमने दो बार बनाना है। हर बार हमने इसी तरह से करना है। जो फर्स्ट होगा, जैसे ये फर्स्ट व्हाइट स्टिच है इसके ऊपर हमने दो बार बनाना है, यहां पर मजेंटा स्टिच हमारा फर्स्ट है यहां पर हमने दो बार बनाना है, बाकी सब में हमने एक बार बनाना है। तो ये हमारे पास, ये देखिए ये दो थे, यहां पर तीन हो गए, यहां पर ये चार हो गए। अब इसको हम पीछे खींच रख देंगे और इससे हम स्टार्ट करेंगे। व्हाइट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट व्हाइट में एक बार, और फिर हमारे पास मजेंटा स्टिच आ गया हमारा चेन का, तो इसमें हमने दो बार बनाना है। जैसे जैसे हमारा राउंड बढ़ता है उसी हिसाब से हमने स्टिच बढ़ाने हैं। तो हर बार हमने दूसरे कलर के ऊपर दो बार बनाना है, बस वही हमने इंक्रीज करना है। ये वाला धागा हमने साथ रखना है, एक बार हमने बनाया, फिर हमने मजेंटा के ऊपर एक बार बनाया। अब ये हमारी फर्स्ट व्हाइट चेन है तो फर्स्ट व्हाइट चेन के ऊपर हमने दो बार बनाना है, एक, और इसी जगह पर हमने दो बार बनाना है। तो इसको हर बार थोड़ा सा ऐसे, ये व्हाइट कलर है, व्हाइट को थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है हमने, नहीं तो आपका राउंड जरा खुला खुला बन जाएगा। फिर हमने इसको चेंज करना है, यहां पर हमने मजंटा को थोड़ा खींच लेना है, हल्का सा खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना, एक बार, नेक्स्ट में एक बार, और फिर ये मजंटा स्टिच के ऊपर हमने दो बार बनाना है। हर बार जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसके ऊपर हमने दो बार बनाना है। अब इसे पीछे कर लेंगे, ये मजंटा कलर को थोड़ा सा, ये देखिए खींच लेंगे,
तो ये एक एक बार हमने बनाया वाइट कलर से, और ये मजेंटा जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट मजेंटा के ऊपर हमने दो बार बनाना है, ये एक और ये दो। यहाँ पर धागा हम चेंज कर लेंगे और इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा वाइट खींच लेंगे, एक दो तीन, थर्ड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है। एक बार हम नेक्स्ट चेन के ऊपर स्लिप स्टिच बना लेंगे, इसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये इसी तरह से थालपोश बनना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना। हर चेन में हमने एक बार बनाना है, जैसे इसमें हमने एक बार बनाया, नेक्स्ट में भी हम एक बार बनाएंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट हमारी व्हाइट चेन है उसी में हमने इंक्रीज करना है, जब भी करना है एक बार, इसी में ये दो बार हो गया। इसी तरह से जब मजंटा कलर के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट मजंटा चेन में हम दो बार बनाएंगे, बाकी सारा एक बार बनाएंगे। ये मजंटा कलर का धागा ये ऐसे लूज हो जाता है, इसे थोड़ा सा आपने खींच लेना है। ये वाला धागा हम साथ में लेंगे हर बार, एक, नेक्स्ट में भी एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब हमारा फर्स्ट मजंटा स्टिच आ गया तो इसमें हमने दो बार बनाना है। ये देखिए मजंटा कलर के धागे को आपने, जो हमारा धागा नीचे होता है जो बीच में आया होता है उसको हमने थोड़ा सा, ये देखिए यहां से पकड़ के ऐसे खींच लेना है, इतना धागा ये बाहर आ गया एक्स्ट्रा था जो, फिर हम इसे थोड़ा सा हमने व्हाइट को खींच लेना है। हम व्हाइट कलर साथ में लेंगे, एक, ये दो बार हो गया। हर में एक एक बार ही हमने बनाना है, जब हमने ये दूसरा कलर आ गया व्हाइट तब हमने इसमें दो बार बनाना है, ये एक और ये दो। अब ये देखिए हम व्हाइट को यहां से पकड़ेंगे कॉर्नर से, इसको यहां से खींचेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा धागा होता है जो। अब इससे हमने ऐसे बनाना है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, एक एक बार बनाएंगे और फर्स्ट में दो बार बनाएंगे। तो ये दो थे, यहां पर ये तीन हो गए, ये चार पांच हो गए, फिर ये छह हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। इसी तरह से हमने ये बनाते जाना है। जो हम नेक्स्ट दूसरे कलर के ऊपर दो बार बनाते हैं उससे ये टर्न लेता है, उससे ये हमारा डिजाइन घूमता जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहां तक बना लिया है। यहां से हम पिंक कलर से गिनेंगे तो ये टोटल यहां तक ये सारे 18 राउंड्स हैं, 18 राउंड्स हैं ये। हर बार ये एक बढ़ता जाता है, ये देखिए ये दो है, यहां पर तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए, और यहां से हम गिनेंगे तो ये 18 है। और 16 अभी तक इसका 16 डायमीटर बना है यहां से, और इसके हम दोनों तरफ थोड़ी लैस बना देंगे फ्रिल टाइप, तो ये 18, 19, 20 के करीब हो जाएगा। जितने आप चौड़ी लैस बनाओगे उतना ही ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप थोड़े दो राउंड और बना ले जैसे, उसके बाद फिर आप इसकी फ्रिल बनाएं। अब हमने मजंटा के ऊपर, ये लास्ट मजंटा है, मजंटा चेन के ऊपर हमने दो बार बनाना है। जो फर्स्ट हमारी मजंटा चेन है उसके ऊपर हमने दो बार बनाना है। तो हर बार हमने ये मजंटा कलर का धागा है जो नीचे है हमारा बीच में क्या हुआ, ये देखिए यहां से हम पकड़ेंगे इसे, इसे हम थोड़ा खींचेंगे तो ये इतना बाहर आ गया, जो एक्स्ट्रा धागा बीच में लूज होता है वो बाहर आ जाता है। तो हर बार हमने इसे खींचना है, फिर हमने दूसरा धागा लगाना है, नहीं तो आपका थालपोश ऐसे खुला खुला लूज बनेगा। व्हाइट कलर के धागे को भी थोड़ा सा खींच लेंगे, एक दो तीन, थर्ड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद हमने स्लिप स्टिच दोबारा नहीं बनाना क्योंकि हमने फ्रिल बनानी है। तो एक दो तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। व्हाइट कलर के धागे को अब हमने साथ नहीं लेना, इसे हम इसी तरह से साइड में रहने देंगे। नेक्स्ट में, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया,
तो ये टोटल 1 2 3 4 5, चार हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन, तो 5 बार हो गया। एक और दो चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, फिर हम 5 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक चेन, दो चेन, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। एक चेन, दो चेन लेंगे, फिर हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर हम 5 बार बनाएंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। यहां पर आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे, दो चेन लेंगे, एक दो तीन, थर्ड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। इस धागे को इस तरह से रख देंगे, व्हाइट कलर लगाएंगे, और जहां पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है सेम प्लेस पर हमने व्हाइट कलर से भी स्लिप स्टिच बनाना है। अब हमने ये जो होल है हमारे पास है, इस होल पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट होल में हमने 7 बार बनाना है डबल क्रोशिया। एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, बीच में एक चेन ली, डबल क्रोशिया, बीच में चेन, डबल क्रोशिया, 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 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम्स यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया और साथ में बीच में चेन ली। लास्ट में जाकर फिर से हमने एक चेन ली और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर उसी तरह से 7 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले हमने एक चेन लेनी है, जैसे हमने ये सिंगल क्रोशिया के इस तरफ एक चेन ली है, सिंगल क्रोशिया के इस तरफ भी एक चेन आएगी। एक चेन ली हमने, फिर हमने यहां पर 7 बार बनाना है, चेन, डबल क्रोशिया, 7 बार बनाया। इसके बाद एक चेन ली और यहां पर नेक्स्ट होल में इसे हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। एक चेन लेंगे और फिर हम 7 बार बनाएंगे। एक चेन लेकर हमने लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया है हमने बनाया हुआ व्हाइट कलर से, वहां पर आकर स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने दूसरा कलर लगाना है, तो सेम प्लेस पर जहां पर हमने व्हाइट कलर से स्लिप स्टिच बनाया वहीं पर हमने एक बार मजंटा कलर से भी स्लिप स्टिच बनाया, तो ये धागा स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमने नेक्स्ट में ये होल है जो हमारा, होल में हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया, दो चेन, फिर होल में ये होल है जो उसमें हम क्रोशिया वर्क करेंगे, सिंगल क्रोशिया, एक दो चेन, सिंगल क्रोशिया, एक दो चेन। सिंगल क्रोशिया में हम धागा नहीं घुमाते, ये दो हो जाते हैं, दो से हमने एक बना दिया, एक दो चेन, दो चेन, दो चेन, सिंगल क्रोशिया, दो चेन। अब हमने यहां पर ये जो होल है दो सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने दो चेन ली, ये जो बीच में हमने व्हाइट कलर से सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके दोनों तरफ भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सेंटर में हमने दो चेन लेनी है, फिर दो चेन। तो इसी तरह से हमने बनाना है, दो चेन बनाते जाएंगे और साथ में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। यहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया, यहां पर भी आकर इसी तरह से हमने बनाया, ये सिंगल क्रोशिया, दो चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, ये दो चेन लिए हमने, दो चेन लेकर यहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन, दो चेन, फिर हमने यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन, फिर उसी तरह से। एंड में आकर हमने उसी तरह से दो चेन ली और यहां पर होल में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, दो चेन, और ये जो हमारा
फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर आकर हमने स्लिप स्टिच बना दिया, तो ये इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे, व्हाइट कलर का धागा भी यहाँ पर काट देंगे। तो इस तरह से ये इसका बॉर्डर बना। किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे टेबल मैट के तौर पर यूज कर सकते हैं या थालपोश के तौर पर यूज कर सकते हैं। बैक साइड से ये इस तरह से है, बैक साइड में यहां पर दूसरे कलर का धागा दिखाई नहीं देता क्योंकि हमने उसे साथ साथ घुमाया है। आशा करती हूँ यह थालपोश आपको पसंद आएगा। अगर जो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।